तो दोस्तों क्या हालचाल है आपके। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि मेरी नेक्सॉन का हो गया था एक बुग्गी वाले से एक्सीडेंट, और यहाँ पे हमारी नेक्सॉन हो चुकी है पूरी कंप्लीट तैयार। मुदित जी मेरे साथ हैं जिन्होंने 3 दिन के अंदर गाड़ी को रिपेयर कर दिया है, बिल्कुल जेन्युइन न्यू ब्रांड न्यू पार्ट डाल के दिए हैं। और मैं आपको बिल भी लास्ट में दिखाऊंगा, 54,000 कुछ का बिल बन रहा था, जिसका के जो इन्होंने फाइल प्रोसेसिंग फीस है 1700 कुछ रुपए लगी है केवल, वो मुझे पे करना पड़ा है। टाटा का जैसे पहले नाम था कि भाई 10-15 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है, मुदित जी बहुत हेल्पफुल बंदे हैं और जो भी इनके सहजाद और जो भी वर्कर थे सबने फटाफट से 3 दिन के अंदर गाड़ी कंप्लीट करके दी है। मुदित जी बहुत बहुत थैंक यू आपका। अभी मैं मुदित जी से ही पूछूंगा कि गाड़ी के अंदर क्या क्या पार्ट नया डाला है, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी मुदित जी बताइए, आप बता दीजिए प्लीज। एक तो आपका ये आपका बोनट रिप्लेस हुआ है। हाँ जी, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हल्का सा निशान था जो कि मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, यहाँ पे हल्का सा कटता, अगर चाहते तो उसको रिपेयर भी कर सकते थे, लेकिन भाई साहब ने पूरा बोनेट चेंज कर दिया है। और मुदित जी और क्या हुआ? आपकी हेडलाइट रिप्लेस हुई है लेफ्ट साइड की। हेडलाइट के भी थोड़े से ही 2 नक्के टूटे हुए थे शायद, बस फिर भी ये ग्रिल रिप्लेस हुई है, पूरी ब्लैक ग्रिल। लेकिन मुदित जी हमारा ये ग्रीन पार्ट नहीं, वो आपका ऑर्डर में डाला हुआ है, वो आपको मंगा के जब। चलिए थैंक यू। ये आपकी ह्यूमिडिटी क्रोम चेंज हुई है, पूरी क्रोम ग्रिल चेंज हो गई है, पूरा बम्पर चेंज हुआ है आपका, फुल बम्पर हमारा चेंज हुआ है। ये आपका ये आईब्रो आपकी चेंज हुई है जी, और एक अंदर का कंडेंसर है, एसी कंडेंसर, एसी वाला जो कंडेंसर है वो बेंड हो गया था, थोड़ा बेंड हो गया था, लीकेज हो गया था, वो भी आपका रिप्लेस करा दिया। तो मुदित जी ने पूरी हमारी जो गाड़ी है एकदम ब्रांड न्यू बना दी है। आपका एक इंडिकेटर लाइट टूटी हुई थी, ये भी आपकी इंश्योरेंस में कवर करा दी। थैंक यू मुदित जी। ओके थैंक यू सर, माय प्लेजर। अभी तो दोस्तों ये आपको बिल दिखा देता हूँ, जो टोटल यहाँ पे हमारा ग्रैंड टोटल, ये पूरी लिस्ट है, देखिए ये क्या क्या सामान इसके अंदर डला है, CEDSE फ्रंट फेंडर, मतलब ये सारे हमें समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको जो मोटा मोटी बात है वो बता दूं, टोटल जो हमारा बिलिंग अमाउंट आना था वो आना था 54,212, लेकिन हमने पे कितना किया है वो आपको दिखाता हूँ एक मिनट। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जो ये लिखा हुआ है, डेप अमाउंट 1783 बाई कार्ड मैंने पे किया है, 54,000 का बिल, इंश्योरेंस में 1783 पे किया। यार अगर बाहर अगर मैं कराता तो मेरी वाट लग जानी थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद कैसी हालत हो गई थी। ये आप बोनेट देख पा रहे हैं जो कि पूरा रिप्लेस हो गया है, अगर बाहर कराता तो कोई डेंटर डेंट भी निकाल सकता था यहाँ से, सिर्फ इतना ही बोनेट बैंड हुआ था। और ये जो ग्रीन कलर के जो आप लोगो देख रहे हैं ये भी नहीं डल पाए हैं अभी फ़िलहाल, मिले नहीं, ऑर्डर पर आने हैं अभी, 5-6 दिन लग जाएंगे, पुणे से आएंगे। और ये देखिए बम्पर आगे का हट गया है, और ये यहाँ से दरवाज़ा भी हमारा बेंड हो चुका था, यहाँ से हम अपना दरवाज़ा पूरा नहीं खोल पा रहे थे, काफ़ी अच्छा नुकसान था। मुझे क्या लग रहा था यार ज़्यादा बिल नहीं बनेगा गाड़ी का, लेकिन जैसा टाटा का नाम बदनाम है उस तरीके की मुझे सर्विस नहीं मिली है। ये देखिए बोनेट कितना ज़्यादा बेंड हो रखा है, ये तो चेंज ही करा दिया, अगर चाहते तो ये इसको रिपेयर भी कर सकते थे। अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारी राइट साइड की हेडलाइट थी यानी कि हेडलैम्प था, ये बिल्कुल सुरक्षित था, यहाँ से कुछ नहीं टूटा, लेकिन बोनेट थोड़ा उठ गया था ऊपर की तरफ। पर जो हमारी लेफ़्ट साइड की यानी कि कंडक्टर साइड की जो हमारी हेडलाइट होती है उसमें काफ़ी नुकसान हो गया था, वहाँ मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इसके जो नक्के हैं लाइट के जहाँ से टाइट होती है, यहाँ से ये नक्के टूट गए थे, फिर भी इन लोगों ने हेडलाइट जो है इसकी पूरी कम्प्लीटली चेंज करके दी है मुझे। दोस्तों अब आप फ्रंट का बम्पर देख लीजिए, बम्पर भी बहुत ज़्यादा टूटा नहीं था, अंदर धस गया था। और जो हमारी ये क्रोम ग्रिल है ये भी नहीं टूटी थी, थोड़ी अगर कोई अगर बाहर में इसको कराता, आपको क्या लगता बाहर अगर डेंटर से कराता तो कितने रुपए में ये खर्च होके लग जाता, लेकिन इंश्योरेंस एक दिन बचा हुआ था, मैं चला गया टाटा वालों के पास, और भाई साहब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। चलो मैं अपनी फुल डिटेल मैं खुद बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिप्लेस हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी हेडलाइट जो थी ये टूट गई थी, ये भी इन्होंने, हालांकि 2-4 ही नक्के यहाँ से टूट रहे थे, पूरी हेडलाइट चेंज की है। और ये जो हमारे फोग लैंप के ऊपर ये कलर वाली पट्टी लगी हुई थी, इन पे भी स्क्रैचेस थे जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसको भी रिपेंट किया है। और चीज़ें मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा एसी का कंडेंसर होता है दोस्तों अंदर, यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये भी पूरा चेंज हो गया क्योंकि ये बैंड हो चुका था, ये पूरी ग्रिल चेंज हुई है। और हमारा जो बम्पर है पूरा का पूरा बम्पर, आपने देखा वीडियो में कितना ज़्यादा बैंड हो रखा था, वो पूरा चेंज यहाँ पे इन्होंने करके दिया है दोस्तों। और
और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरी इसका जो ORVM है, ORVM की ये टर्न इंडिकेटर वाली लाइट भी निकली हुई थी, ये भी इन्होंने इंश्योरेंस के अंदर ही चेंज कर दी है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बोनेट था हमारा पूरा का पूरा, जो बोनेट वाला पार्ट था, यहाँ से हल्का सा ही बेंड था, कहीं और होता तो शायद उसको रिपेयर करके दे देते, लेकिन ये इन्होंने हमारा पूरा का पूरा जो है बोनेट चेंज कर दिया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर ये रिपेयर होता तो यहाँ पे इसमें आपको निशान दिखाई देता, पूरा बोनेट ब्रांड न्यू डाल के दिया है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की हो रही है मुझे, तो पूरा नया सामान इन्होंने डाला है, बम्पर, हेडलाइट, ये फ्रंट ग्रिल और ऊपर जो बोनेट है, बोनेट एकदम कंप्लीट वर्क हो गया है दोस्तों। तो ये था श्री वासु ऑटोमोबाइल मेरठ के बारे में मेरा पर्सनल व्यू। यार मुदित जी मजा आ गया, 3 दिन के अंदर आपसे मिल, ऐसे बंदे हो ना तो टाटा बहुत जल्दी ऊपर चली जाए, देश की कंपनी है, और मुदित जी जैसे लोग और ऐसे वर्कर, आपको एक बार अंदर का व्यू भी दिखाऊंगा पूरा। थैंक यू सो मच यार, आपने इतनी हेल्प की, थैंक यू सो मच, कमाल के बंदे हैं। तो चलिए एक बार गाड़ी अंदर की भी दिखा देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का यहाँ पे काम चल रहा है दोस्तों। अगर आपको अंदर का व्यू दिखाऊं तो टियागो यहां पे रिपेयर हो रही है, और इधर भी देखेंगे तो टियागो और जेस्ट वगैरह काफ़ी सारी गाड़ी खड़ी है, नेक्सोन भी खड़ी है, और इधर मैं जूम करता हूं थोड़ा तो आपको हैरियर भी दिखाई देगी। और ये कोशिश करते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना केस का निपटारा करने की दोस्तों, ऐसी उम्मीद टाटा से मुझे तो नहीं थी। दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, आपको क्या लगता है ये टाटा का एक्सपीरियंस अच्छा रहा या बुरा रहा, आपकी अगर कोई राय है टाटा शोरूम के एक्सपीरियंस के बारे में, आप अगर गए हो परेशानी हुई हो या आपको अभी चेंज लगता हो, पहले वाले जो टाटा का नाम खराब था उससे अभी बदलाव आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा ज़रूर। अगर आपके मन में कोई पर्सनल सवाल है तो यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो रही होगी, अरुण कुशल खत्री के नाम से, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप पर्सनल सवाल मेरे से वहाँ जाके कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।